बजने वाले 6:30 डेढ़ घंटे के करीब का वक्त रह गया है। मतगणना के बाद वोटों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद रुझान धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे। 5 राज्यों की सियासी तस्वीर बदल जाएगी। बात करते हैं असम की। असम में क्या होने जा रहा है ये देखना बहुत ही दिलचस्प है। कांग्रेस पिछले 15 साल से असम में सत्ता में है। 82 साल के तरुण गोगोई एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हैं, जबकि बीजेपी ने सर्वानंद सोनोवाल को अपना चेहरा बनाया। महा एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो कांग्रेस के लिए आज असम से बुरी खबर आ रही है और असम कांग्रेस के हाथ से निकल सकता है। We are confident because we have been in public life for a long time. परिवर्तन के लिए, विकास के लिए लोगों ने बीजेपी पक्ष में अपना मतदान दिया। असम में कांग्रेस से तरुण गोगोई और बीजेपी से सर्बानंद सोनोवाल सीएम पद के दावेदार हैं। दोनों में से किसके हाथ में होगी राज्य की कमान, इसका फैसला आज हो जाएगा। असम में इस बार रिकॉर्ड 84.4% वोटिंग हुई थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों बंपर वोटिंग को अपने हक में बता रही हैं। असम में 126 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 64 सीटों की जरूरत है। महा एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं कि असम कांग्रेस के हाथ से निकल रहा है। महा एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक बीजेपी और सहयोगियों को असम में 126 में से 80 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी सिर्फ 32 सीटों तक ही सीमित रहेंगे। वहीं AIUDF को 11 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटों का अनुमान बताया गया है। पिछली विधानसभा यानी 2011 में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 27 सीटें, कांग्रेस को 78 सीटें, AIUDF को 18 सीटें और अन्य को 3 सीटें मिली थी। यानी असम में इस बार तस्वीर पूरी तरह से पलटती हुई दिखाई दे रही है। असम में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से सरकार बनाने की स्थिति में है और उसके अलावा अन्य राज्यों में भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इस बात का बिल्कुल हमें विश्वास है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो हमारे दल के जो भीतर जो अध्ययन हुआ है उन आंकड़ों से नहीं मिलता। दिल्ली में जो विभिन्न दल के नेतृत्व हैं और सदस्य हैं उन्होंने भी उनके अंदर जो विश्लेषण किया है उसमें भी देख रहा है कि कांग्रेस असम में 4थी बार सरकार बनाएंगी। असम में कुल 1,98,00,000 मतदाताओं में 31% वोटर 30 साल से कम उम्र के हैं, यानी 6,75,000 ऐसे वोटर हैं जिन्होंने इन चुनावों में पहली बार वोट डाला। युवाओं का वोट किसे मिला ये नतीजों में अहम साबित होने जा रहा है। जनता विकास चाहती है, सुरक्षा चाहती है, परिवर्तन चाहती है, इसलिए इस बार जो जनता का राय है ये परिवर्तन का पक्ष में है और परिवर्तन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकते हैं, ये जनता का मानना है। असम चुनाव के बड़े मुद्दों पर नजर डालें। एंटी इनकम्बेंसी असम चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे में शामिल है। असम में पिछले 15 साल से कांग्रेस की सरकार है। 82 साल के तरुण गोगोई एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं। लंबे वक्त से कांग्रेस की सरकार होने की वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बेरोजगारी भी असम चुनाव में बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेशी विस्थापितों का मुद्दा, असम में असमिया और गैर असमिया का मुद्दा हमेशा से बड़ा रहा है। असम में 34 सीटें ऐसी हैं जहां पर विस्थापितों का दबदबा है। इस चुनाव में बीजेपी ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया और असम से भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर वोट मांगा। वहीं ट्राइबल फैक्टर भी इस बार बेहद अहम साबित होगा, क्योंकि असम की कुल आबादी का 17% हिस्सा ट्राइबल है जिनमें 35 लाख वोटर हैं। ये वोट अहम साबित होंगे। 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रदेश की 126 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 69 सीटों पर बढ़त बनाई थी, जबकि कांग्रेस 23 विधानसभा सीटों पर ही आगे थी। बीजेपी अगर इसी बढ़त को भी बनाए रखती है तो भी उसकी सरकार बननी तय दिखाई देती है। देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार है। ये राज्य हैं हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और झारखंड, जबकि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में सरकार चला रही है। अगर असम में बीजेपी की सरकार बनती है तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई देगी। अगर महा एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होने जा रहे हैं तो कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य की सत्ता फिसलने जा रही है और बीजेपी
पहली बार असम में सरकार बनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी नॉर्थ ईस्ट के कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटजिकली बीजेपी के लिए, और तभी बीजेपी हेडक्वार्टर में काफी माइन्यूट तरीके से, बारीक तरीके से नतीजों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि अगर एंट्री भी हो जाती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी बीजेपी के लिए, जो इस वक्त देश में काबिज है। क्या कुछ एग्जिट पोल ने कहा, वहां से तस्वीरें क्या सामने आई और इस वक्त क्या है स्थिति, जानते हैं। नंदिता हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया सचिन। तो ये तमाम विश्लेषण हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 16 मई को जी न्यूज ने महा एग्जिट पोल दिखाया था और बताया था कि 5 राज्यों की चुनावी तस्वीर क्या निकल कर आ रही है, क्या कहते हैं एग्जिट पोल्स, किसकी बनेगी सरकार और किसकी होगी हार। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आखिर किसको कितनी सीटें मिलती दिख रही है। असम की अगर बात करें तो महा एग्जिट पोल में बीजेपी को 80 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, असम की बात कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 32 सीटों पर ही सिमटता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को 32 सीटें ही मिलती दिख रही हैं, AIUDF को 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और अन्य के खाते में जाएंगी 3 सीटें। ये हम आपको असम की तस्वीर दिखा दें, कांग्रेस को 32 सीटें मिलती दिख रही हैं, AIUDF को 11 मिल रही हैं और अन्य को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। ये असम की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज TMC जो है वो अपनी वापसी कर रही है। महा एग्जिट पोल में TMC के खाते में 196 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को मिलेंगी सिर्फ 90 सीटें। ये देखिए, TMC को 196 सीट्स मिलेंगी और लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको 90 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसी से उन्हें संतोष करना पड़ेगा। बीजेपी यहां पर अपने खाते में 5 सीटें लेकर जाएगी, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य भी सीन में है, अन्य को मिलेंगी 3 सीटें। तो महा एग्जिट पोल से ये तस्वीर बंगाल की निकलकर सामने आ रही है। और बंगाल के बाद हम तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है एग्जिट पोल्स की अगर माने, और वो सही निकलते हैं तो बदली हुई तस्वीर तमिलनाडु में दिखाई देगी। सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु में जयललिता आउट होती दिखाई दे रही है, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद भी सीटें उनको नहीं मिल पाएंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। महा एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक जयललिता की AIADMK को सिर्फ 94 सीटें 94 सीट्स मिलती दिख रही हैं। वहीं करुणानिधि की जो DMK है उसको बहुत ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं, 130 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है जो उनके खाते में जा सकती है और वो सत्ता पे काबिज हो सकते हैं। बीजेपी की 2 सीटों पर जीत के साथ खाता खुल सकता है, ये भी इस बार एग्जिट पोल में निकलकर सामने आया है। और अगर अन्य की हम बात करें तो अन्य इस बार 6 सीटें लेकर जाता दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु की ये तस्वीर सामने आ रही है। तो वहाँ एग्जिट पोल्स हैं और इनके नतीजे जो हैं आगे की राजनीति भी डिफाइन करने वाले हैं, इसीलिए काफ़ी अहम है। और अब हम केरल की बात कर लेते हैं। केरल में किस तरह से तस्वीर निकल कर आ रही है ये हम आपको दिखाते हैं। सर्वे के मुताबिक केरल में कांग्रेस को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। UDF को 140 सीटों वाली विधानसभा में से सिर्फ 54 सीटें ही मिलती दिखाई देंगी, और इसके अलावा LDF को मिल रही हैं 81 सीट, 81 सीटें मिल रही हैं और सरकार का गठन UDF कर सकती है। केरल में बीजेपी भी 3 सीटों पर जीत के साथ अपना खाता खोल सकती है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 54 सीट जो है वो UDF को मिल रही हैं, बीजेपी को 3 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ भी खाता खुल रहा है बीजेपी का। और अगर अन्य प्रत्याशियों की बात करें तो 2 सीटें उनको भी मिलती दिखाई दे रही हैं। केरल की ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, 5 राज्यों की तस्वीर दिखाई, 4 राज्यों की, पुडुचेरी भी तस्वीर में है। लेकिन बाकी की चर्चा के लिए फिलहाल हम चलते हैं वापस सचिन के पास। शुक्रिया शुक्रिया नंदिता। तो फिलहाल किस तरीके से एग्जिट पोल ने क्या कुछ प्रेडिक्शन किया और उस प्रेडिक्शन के हिसाब से कम ये कह सकते हैं कि रुझान तो बाद में आएंगे, नतीजे बाद में आएंगे, लेकिन जो सेलिब्रेशन है और जो उत्साह का माहौल है वो पहले शुरू हो गया, क्योंकि इस वक्त कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं गुवाहाटी से। रवि मेरे सहयोगी मौजूद है, सीधा वहां से रुक करते हैं। गुवाहाटी से कुछ बादल लगता है छटने लगे हैं रवि, इस वक्त ऐसी कुछ तस्वीरें।
मौसम तो वैसे ही सुहाना है, बादल अभी छटे नहीं है क्योंकि काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद एक एक करके लगता है बादल छटेंगे। लेकिन तस्वीर दिखाना चाहूंगा बीजेपी दफ्तर का, स्टेट बीजेपी ऑफिस का। देखिए पूरी तैयारी की गई, सारे नेताओं के पोस्टर्स लगाए गए हैं और LCD स्क्रीन है, बहुत बड़ा LCD स्क्रीन है जहां से थोड़ी देर बाद यहां से लाइव आपको तस्वीरें दिखाई जाएंगी कि क्या स्टेटस है काउंटिंग का। इसके अलावा आपको सबसे अच्छी तस्वीर यह है दिखाना चाहूंगा कि लड्डू, बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में लड्डू तो फूट ही रहे हैं, दफ्तर में लड्डू बनाया भी जा रहा है, खुशबू आ रही है, देसी घी में लड्डू बनाया जा रहा है। देखिए पूरी तैयारी चल रही है, पूरी सब्जी हलवा एंड लड्डू सबको खिलाने की तैयारी है बकायदे बीजेपी दफ्तर में। अभी से ही आपको पूरा प्रिपरेशन दिखाना चाहेंगे कि तैयारी, ये देखिए ये शॉर्ट से आपको तस्वीर दिख रही है, लड्डू बनाया जा रहा है। अच्छा कितना लड्डू बनाया जाएगा? 7,000 का लगभग बनेगा लड्डू। 7,000 लड्डू, हाँ। ओके। और क्या क्या है तैयारी? कचौड़ी जलेबी है सर, कचौड़ी जलेबी है सर। तो क्या कब से, रात से लग गए आप लोग? हाँ, चार बजे से लगे। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग का टारगेट है? 5,000 आदमी, 6,000 का बोले हैं सर। हाँ, ये क्या बन रहा है? ये कचौड़ी बन रहा है, कचौड़ी मसाला बन रहा है सर। लड्डू की खुशबू आ रही है, कहाँ से आ रही लड्डू की खुशबू का? हाँ, क्या 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 बना रहे हैं आप लोग? पूरी नहीं, कचौड़ी जलेबी अभी सुबह नाश्ता खाए मॉडलिंग के सर, और उसको बाद थोड़ा बाद में जो फरमाइश होंगे वो बनेंगे सर। मतलब थोड़ा इंतजार भी करने के लिए कहा गया है क्या कि मतलब लड्डू थोड़ा सा कहीं हो सकता है गड़बड़ हो, तो उसके लिए भी तैयारी है? हाँ, तो देखा आपने कि पूरी तैयारी है, यहाँ बन रहा है पूरी जलेबी कचौड़ी तमाम चीजों की तैयारी चल रही है। खुशबू दूर तक आ रही थी, हम यहाँ आए, देखे ये बीजेपी दफ्तर है, बीजेपी दफ्तर में आपको माहौल दिख रहा है कि पूरी तैयारी है, मतलब सेलिब्रेट करने की जो तैयारी है वो पूरी चल रही है, हर तरह से तैयारी है। आप पोस्टर बैनर झंडे चारों तरफ लगाए गए हैं, साफ सफाई साफ, कार्यकर्ताओं के मन में खुशी है। लेकिन अभी एक एक करके कार्यकर्ता आने शुरू होंगे, जो बीजेपी दफ्तर में लोग रहते हैं उनसे भी बात करेंगे। देखिए आप बीजेपी दफ्तर में यहीं रहते हैं, क्या आप लोगों की तैयारी क्या है आज की? आज की जलेबी है, कसूरी है, जलेबी कसूरी शायद सब बना रहा है, सुबह 9 बजे से चालू हो जाएगा। नेता लोग कब तक आएंगे आपके? 8 बजे आ जाएगा सब लोग। कौन कौन आ रहा है यहाँ पे? हमें तो गुवाहाटी में है महेंद्र सिंह, अजय जमाल है नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी, वो लोग आएगा और जो सब लोग आ जाएगा। चलिए 8 बजे तक नेताओं के आने का सिलसिला शुरू होगा, सफाई हो रही है, साथ में खाना बनना शुरू हो गया है और मिठाई जश्न की तैयारी अभी से शुरू हो गई। लेकिन अब यह है कि 8 बजे के बाद नेता आने शुरू होंगे और 9 बजे के आसपास आपको रुझान जब दिखना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज में और रंग लाएगा, ये खुशबू जो है और अच्छी लगेगी यहाँ के लोगों को, खास तौर पर क्योंकि उनके लिए तैयारी की जा रही है। जो लोग आकर यहाँ सेलिब्रेट करेंगे, तालियां बजाएंगे, एक तरह से कहा जाए सेलिब्रेट करेंगे। तो कुल मिला जुला के नॉर्थ ईस्ट में सूर्योदय की जो तैयारी है बीजेपी की, उसके लिए इंतजार पहुंचाइए। दिन भर हमने लोगों को नतीजे देने, भूख लग जाएगी और ये कहीं जल्दबाजी तो नहीं होगी इतनी जल्दी मुंह मीठा करना, खैर थोड़ी देर में ये साफ स्पष्ट भी हो जाएगा। और अमूमन यही फन है, यही इलेक्शन के दिन की खास हमने देखा है कि हलचल रहती भी है। तो यहां लड्डू होते होते क्या रसगुल्ले में तब्दील हो रहा है? क्योंकि TMC के लिए तो ऐसी कुछ खबर आ रही थी।